हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वाट टेक्नोलॉजी पर मेरे फ्रेंड्स। और मैं यहाँ पे EMUI 11 से रिलेटेड आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं वीडियो दोस्तों अपलोड नहीं कर पा रहा था, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास फिलहाल यहाँ पे कुछ टाइम्स वगैरह नहीं थे और यहाँ पे मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ सही से। तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो मैंने सोचा कि एक वेबसाइट को ही लेकर मैं इसमें दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों EMUI 11 में जो है वो EMUI 10 का सक्सेसर यहाँ पे आने वाला है। तो कंपनी ने फिलहाल बस इसको थोड़े बहुत टीज वगैरह किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। EMUI में दोस्तों अच्छा लगता है बिना कोई एड वैड का और बिना कोई अलग चीज़ों का, प्राइवेसी भी ठीक ठाक ही रहती है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ फीचर्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो नए ऐप आइकन्स, नए कलर, सिस्टम ऑप्टिमाइज, फास्ट सिस्टम, जेस्चर्स इंप्रूव्ड, डार्क मोड एनहांस्ड। सो डार्क मोड एनहांस्ड फिलहाल जो कंपनी ने 10 में डार्क मोड दिया है वो काफ़ी अच्छा है, मुझे पसंद है इसके बारे में। GPU टर्बो ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे जो इलीगल डिवाइसेज है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डिवाइसेज यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं वो सारे डिवाइसेज यहाँ पे जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डिवाइसेज यहाँ पे एलिजिबल नहीं भी हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ऑनर 8X या ऑनर 8X मैक्स वगैरह के स्मार्टफोन्स में ये अपडेट यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि काफ़ी जो दो मेजर अपडेट्स होते हैं दोस्तों एक सिस्टम के बाद, जो गूगल की जो पॉलिसीज रहती है कि आपको दो मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स मिलेंगे। तो हमने यहाँ एंड्रॉयड 8 से चालू किया था और एंड्रॉयड 10 हमें मिल चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एंड्रॉयड 11 का हमें अपडेट मिलने वाला है। तो फ्यूचर में मैं आपको अपडेट करते रहूँगा इससे रिलेटेड कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या जानकारी मिली। और दोस्तों इसका जो फुल लिस्ट है सितंबर तक यहाँ पे आ जाएगा, तो काफ़ी अर्ली डेट टू माइंड ओपिनियंस है यहाँ पे, टाइम से पहले के मेरी ओपिनियंस है कुछ। और दोस्तों कुछ चेंजेस जो मैं यहाँ पे चाहता हूँ वो है यहाँ पे कि डार्क मोड को थोड़ा सा और इन्हेंस्ड कर दिया जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत सिस्टम स्लो हो जाता है डार्क मोड के बाद। डिजिटल वेलबींग को थोड़ा सा और इन्हेंस्ड कर दिया जाए, और यहाँ पे वावे हेल्थ की जो एप्लीकेशन है उसको इम्प्रूव कर दिया जाए और एक्यूरेट कर दिया जाए, और बस। और यहाँ पे कुछ नहीं, और थोड़े से सिस्टम को फास्ट बनाया जाए और फॉर्टनाइट को रन करने के लिए ऐसा सिस्टम इंटीग्रेटेड कर दिया जाए। सॉफ्टवेयर के तहत तो ऐसा करना आई थिंक इम्पॉसिबल है, लेकिन मे बी कंपनी चाहे तो कर सकती है। सो थैंक यू दोस्तों एंड गुड बाय। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा।